मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, द इकोनॉमिस्ट ने क्यों की तारीफ, तीसरी बार जीत की संभावना जताई। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि आमतौर पर संभ्रांत लोग विश्व स्तर पर लोकप्रिय नेताओं को नापसंद करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में ऐसा नहीं है और उनके लिए शिक्षित मतदाताओं के बीच समर्थन बढ़ता दिख रहा है। भारत के कुलीन लोग नरेंद्र मोदी का समर्थन क्यों करते हैं, शीर्षक वाले एक लेख में प्रकाशन ने कहा, तीन कारक वर्ग, राजनीति, अर्थव्यवस्था और मजबूत व्यक्ति के शासन के लिए अभिजात्य वर्ग की प्रशंसा ये समझाने में मदद करते हैं कि ऐसा क्यों है। ट्रंप का उदाहरण देकर मोदी विरोधाभास समझाया, इसे मोदी विरोधाभास करार देते हुए द इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को अक्सर डोनाल्ड ट्रंप जैसे दक्षिणपंथी लोकप्रिय लोगों के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन मोदी कोई साधारण मजबूत व्यक्ति नहीं है जिनके तीसरी बार जीतने की उम्मीद है। इसमें उल्लेख किया गया, ज्यादातर जगहों पर ट्रंप जैसे संस्थान विरोधी लोकप्रिय लोगों के लिए समर्थन और ब्रेग्जिट जैसी नीतियों का विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ विपरीत संबंध होता है। भारत में नहीं, इसे मोदी विरोधाभास कहें, इससे ये समझाने में मदद मिलती है कि वे आज किसी प्रमुख लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता क्यों हैं। पढ़े लिखे भारतीयों में मोदी प्रसिद्ध, गैलप सर्वेक्षण का हवाला देते हुए इसमें कहा गया है कि अमेरिका में विश्वविद्यालय शिक्षा वाले केवल 26% उत्तरदाताओं ने ट्रंप को मंजूरी दी, जबकि इससे कम शिक्षा रखने वाले लोगों में 50% ने उनका समर्थन किया। लेकिन मोदी ने इस रुझान को तोड़ा है। लेख में प्यू रिसर्च सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा गया कि प्राथमिक विद्यालय स्तर से अधिक शिक्षा अर्जित न करने वाले 66% भारतीयों ने 2017 में मोदी के बारे में बहुत अनुकूल राय व्यक्त की, लेकिन इससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त करने वाले 80% लोगों ने उन्हें अपनी पसंद बताया। 2019 में 42% डिग्री धारकों ने जताया था भरोसा। साल 2019 के आम चुनाव के बाद लोकनीति के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि डिग्री धारक लगभग 42% भारतीयों ने मोदी की भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, जबकि केवल प्राथमिक स्कूल स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले लगभग 35% लोगों ने ऐसा किया। द इकोनॉमिस्ट ने साथ ही कहा कि शिक्षित लोगों के बीच मोदी की सफलता अन्य समूहों के बीच समर्थन की कीमत पर नहीं आती है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के राजनीतिक वैज्ञानिक नीलांजन सरकार के हवाले से कहा गया है कि अन्य लोकप्रिय नेताओं की तरह उनकी सबसे बड़ी पैठ निम्न वर्ग के मतदाताओं के बीच बनी है। अर्थव्यवस्था की मजबूती ने भी मोदी की प्रसिद्धि बढ़ाई। अर्थव्यवस्था को एक प्रमुख कारक के रूप में उद्धृत करते हुए लेख में कहा गया कि भारत की मजबूत GDP वृद्धि असमान रूप से वितरित होने के बावजूद भारतीय उच्च मध्यम वर्ग के आकार और धन में तेजी से वृद्धि कर रही है। इसमें कहा गया है कि 2000 के दशक के उत्तरार्ध में कांग्रेस को उच्च मध्यम वर्ग के बीच मजबूत समर्थन प्राप्त था, लेकिन 2010 के दशक में मंदी और भ्रष्टाचार रूपी घोटालों की श्रृंखला ने चीजों को बदल दिया। लेख में कहा गया, लेकिन मोदी के कार्यकाल ने दुनिया में भारत की आर्थिक और भू राजनीतिक स्थिति में इजाफा किया है। मजबूत व्यक्ति के शासन वाला कारक भी मोदी के साथ, इसके अनुसार साथ ही कुछ लोग सोचते हैं कि मजबूत व्यक्ति के शासन की वास्तव में भारत को आवश्यकता है। उन्होंने चीन तथा पूर्वी एशिया संबंधी स्थिति की ओर इशारा किया, जिनके अनुभव से उन्हें लगता है कि मजबूत शासन आर्थिक विकास की बाधाओं को दूर कर सकता है। इसमें कहा गया कि संभ्रांत लोगों को लगता है कि मोदी के लिए उनका समर्थन तब तक जारी रहेगा जब तक कोई विश्वसनीय विकल्प सामने नहीं आता। लेख में राहुल गांधी पर नकारात्मक कॉमेंट, लेख के अनुसार अधिकांश संभ्रांत लोगों ने कांग्रेस और इसके नेता राहुल गांधी पर विश्वास खो दिया है, जिन्हें वंशवादी और पहुँच से बाहर माना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।